मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत की थी। उसमें अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा और देखा कि बंद कैसे कैसे बनते हैं, बंद बनने के लिए क्या ज़रूरी है। उसमें दो थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी तथा लुइस का अष्टक नियम पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पहला बंद स्टार्ट किया था, क्या आयनिक बंद स्टार्ट किया था। आयनिक बंद में अपन ने देखा कि आयनिक बंद के निर्माण को समझाने के लिए कौन सा क्या बॉर्न हैबर चक्कर दिया गया। क्या दिया गया? बॉर्न हैबर चक्कर से अपने को पता चलेगा कि कौन सी ऊर्जा अपने लग जाती है और कौन सी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो पहला अपन पढ़ें NaCl का निर्माण। NaCl किस किस से मिलकर बना हुआ है? NaCl सॉलिड है, इसको तोड़ेंगे किस में? Na+ एंड Cl-। ये गैस है और ये भी क्या है? गैस है। अब देखिए बेटा, अपने को क्या क्या आयन चाहिए? एक तो सोडियम आयन चाहिए और दूसरा क्लोरीन आयन चाहिए, दोनों एक एक ही चाहिए। तो अपन लिखें सोडियम Na। सोडियम मेटल किस फॉर्म में रहती है? सॉलिड की फॉर्म में। तो पहले इसको कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी? डेल्टा एच सब्लिमेशन ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर क्या बन जाएगा? Na गैस बन जाएगी। Na गैस से Na+ बना हुआ गैस, ये क्या बन जाएगी? आईपी आयनन ऊर्जा है। क्या है? आयनन ऊर्जा, आईपी। ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन किस रूप में रहती है? Cl2। तो इसे बंद वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी, तो क्या बन जाएगा? 2Cl बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 2Cl। 2Cl से Cl-, ये क्या होगा? Ea होगा, Ea। तो इन दोनों में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl सॉलिड प्लस साथ में क्या निकलेगी? जालक ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? जालक ऊर्जा। अब जालक ऊर्जा क्या है? पर्याप्त आयनों से। बेटा जी, एक चीज़ ध्यान रखना, जालक ऊर्जा अलग चीज़ है, आयनिक गुणधर्म अलग चीज़ होंगे। दोनों में अपन मिक्स नहीं करेंगे, दोनों आगे क्वेश्चन करेंगे तो दोनों अपने वो अलग अलग लेकर चलने हैं। जालक ऊर्जा अलग चीज़, फैक्टर पर डिपेंड करेगी, अलग कारक पर डिपेंड करेगी, और जो आयनिक गुणधर्म है वो अलग फैक्टर पर काम करेंगे। तो अपने पास कौन सा ऊष्मा छेपी है और कौन सा ऊष्मा शोषी है, ये कैसा होता है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ये कैसा है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ये भी क्या है? ऊष्मा शोषी है। पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ईए प्रथम ईए कैसी होती है? ऊष्मा छेपी प्रक्रम होती है। क्या होती है? ऊष्मा छेपी, ये ऊष्मा छेपी प्रक्रम है और ये भी ऊष्मा छेपी प्रक्रम है, ये भी ऊष्मा छेपी प्रक्रम है। अब अपन डेल्टा एच फॉर्मेशन, NaCl के निर्माण की ऊष्मा की बात करें, NaCl के निर्माण की ऊर्जा की बात करें, तो अपन देखेंगे एक डेल्टा एच सब्लिमेशन है, एक सोडियम चाहिए तो एक ही डेल्टा एच सब्लिमेशन चाहिए, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन एक हो गया प्लस आईपी। एक सोडियम चाहिए तो एक सोडियम के लिए एक आईपी होगी प्लस आईपी प्लस बंद वियोजन ऊर्जा बीडी की बात करें, इसकी रामायण हमेशा चलती रहेगी, इसमें अपने को टेंशन रहेगी हमेशा। अब देखिए कितनी बीडी लेनी पड़ेगी अपने को। एक अणु बना था, एक सीएल इधर से आया, एक सीएल इधर से आया, तो मान लो 100 जूल ईसीएल की थी, 100 जूल ईसीएल की थी, बंद बना, मान लो 180 जूल बाहर निकल गई, 90 इसकी निकल गई, 90 इसकी निकल गई। अब इस बॉन्ड को मेरे को वापस तोड़ना है, बंद वियोजन करना है, तो मेरे को 180 जूल ही वापस देनी पड़ेगी। तो इसके पास कितनी जाएगी? 90। तो इसके पास कितनी जाएगी? 90। तो मेरी बात समझ में आई? तो बंद एक सीएल के पास बंद जो ऊर्जा होगी उसका आधी ऊर्जा जाएगी। तो अपने को चाहिए कितनी सीएल? एक सीएल चाहिए, तो अपन बीडी कितनी लेंगे? बंद वियोजन ऊर्जा बीडी कितनी लेंगे? बीडी हाफ लेंगे। कितनी लेंगे? हाफ। ईए की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, एफिनिटी कितनी लेंगे? अपने को एक सीएल चाहिए तो एक सीएल के लिए एक ईए होगी माइनस ईए माइनस लेटेस एनर्जी, जालक ऊर्जा माइनस जालक ऊर्जा
तो डेल्टा इज सब्लिमेशन प्लस आई पी प्लस बी डी माइनस ई ए और माइनस लेटेस्ट एनर्जी। अब ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि ये कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। कैसा है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। जबकि ये प्रक्रम कैसे हैं? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। कैसे हैं? ऊष्मा शोषी। यदि डेल्टा एस सब्लिमेशन प्लस आई पी प्लस बी डी, इस ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा किससे? ई ए प्लस लेटिस एनर्जी से, तो अणु कैसा होगा? अणु अस्थाई होगा। कैसा होगा? अस्थाई। कैसा होगा? अस्थाई होगा। यदि इस ऊर्जा का मान, मतलब ऊष्मा शोषी ऊर्जा ज़्यादा है किसकी तुलना में? ऊष्मा क्षेपी की तुलना में। या फिर अपन बात करें डेल्टा एस सब्लिमेशन प्लस आई पी प्लस बी डी अपॉन टू का मान कम हो किससे? ई ए अपॉन प्लस लेटेस्ट एनर्जी से, तो अणु कैसा होगा? अणु स्थाई प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा? स्थाई प्रवृत्ति का होगा। कहने की बात यदि ये है कि यदि ये वैल्यू ऊष्मा शोषी प्रक्रम ज़्यादा है किसकी तुलना में? ऊष्मा क्षेपी की तुलना में। ऊष्मा क्षेपी की तुलना में ऊष्मा शोषी ज़्यादा है तो अणु स्थाई होगा। अगर ऊष्मा शोषी ज़्यादा है तो अणु कैसा हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। अब इस हिसाब से अपन देखा ये किसकी फॉर्मेशन की एनर्जी आ गई, NaCl की फॉर्मेशन की एनर्जी आ गई। इतनी ऊर्जा अपनी लगेगी और इतनी ऊर्जा बाहर निकलेगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको? वो क्वेश्चन इसमें से कोई एक एनर्जी एब्सेंट कर देगा और बाकी सबके मान दे देगा, तो अपने को वो ज्ञात करनी होगी जो एब्सेंट कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। MgF2 का निर्माण, किसका निर्माण? MgF2 का निर्माण बात करें। Mgf2 किससे मिलकर बना हुआ है? Mgf2 सॉलिड है, किससे मिलकर बना हुआ है? Mg प्लस 2 गैस प्लस 2F माइनस गैस से मिलकर बना हुआ है। इससे मिलकर बना हुआ है। Mg सॉलिड है, Mg से Mg गैस गए, डेल्टा एच सब्लिमेशन एम जी से एम जी प्लस वन गए, ये क्या होगी? आई पी वन। एम जी प्लस टू गए, ये होगी आई पी टू। क्या होगी? आई पी टू। एफ टू की बात करें तो टू एफ बन जाएगा बी डी, तो यहाँ से एफ माइनस वन बनाया, ये क्या होगी? ई ए होगी। ई ए इन दोनों को लूँगा, ये भी गैस है ये भी गैस है, एम जी एफ टू बन जाएगा सॉलिड प्लस जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी बाहर निकलेगी, जालक ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन देखें इसका, यहाँ से अपन रिएक्शन को देखेंगे। देखो बेटा, अपने को एम जी कितने चाहिए? एम जी अपने को एक ही चाहिए, तो एक डेल्टा एच सब्लिमेशन आएगी प्लस एक एम जी के लिए एक आई पी वन है और एक आई पी टू है, तो अपन क्या लिखेंगे? आई पी वन प्लस आई पी टू प्लस बंद वियोजन ऊर्जा, बीडी की बात करें, बंद वियोजन ऊर्जा की बात करें या बीडी की बात करें, तो अपने को पता है कितने एफ सी हैं? दो एफ सी हैं, दो एफ सी हैं, तो दो एफ को अलग अलग करने के लिए पूरी एक बीडी लगेगी। एक एफ के लिए आती तो आधी लेते, और पूरी है तो अपन दो एफ है तो पूरी बीडी लेंगे, तो बंद वियोजन ऊर्जा पूरी की पूरी यहीं पर आ जाएगी प्लस ईए की बात करें। एक फ्लोरीन के लिए एक ईए है, फ्लोरीन कितने चाहिए अपने को? दो, तो दो फ्लोरीन के लिए कितनी हो जाएगी? दो ईए हो जाएगी माइनस जालक ऊर्जा, माइनस
ज्यादा कर जाए। तो ये अपने निर्माण की ऊर्जा आ गई, किसको MgF2 के निर्माण की ऊष्मा आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। Al2O3 का निर्माण, Al2O3 का निर्माण, किसका निर्माण देखें, Al2O3 का निर्माण देखें अपन। Al2O3 किससे मिलकर बना हुआ है, एल्युमिनियम प्लस 3, कितने एल्युमिनियम, देखो बेटा किसी को ब्रेक करना है कैसे करना है, इसका मतलब ये है ये कितने एल्युमिनियम है, 2 है, इसका मतलब ये है कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। चार्ज हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, चार्ज हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसके ऊपर चार्ज तो कितना आ जाएगा, प्लस 3, इसके ऊपर माइनस 2, और जो नीचे पैरों में लिखा होता है इसका मतलब ये है 2 एटम एल्युमिनियम के हैं और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं, प्लस 3O माइनस 2, 2 एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम लेते हैं, सॉलिड है Al, गैस बन गया, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा है सब्लिमेशन, तो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस 1, ये Ap1 आ गई, एल्युमिनियम प्लस 2, ये Ap2 आ गई, एल्युमिनियम प्लस 3, ये Ap3 आ गई, Ip1, Ip2, Ip3 आ गई अपने पास। ऐसे अपन ऑक्सीजन के लिए लें O2, 2O बन जाएगा, ये बंद वियोजन ऊर्जा BD हो जाएगी अपने पास, O से O माइनस, ये फर्स्ट हो जाएगी, O माइनस 2, ये सेकंड हो जाएगी। इन दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा सॉलिड, प्लस लेटेस्ट एनर्जी बन जाएगी जालक ऊर्जा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जालक ऊर्जा। अब इसके लिए अपन देखें डेल्टा एच फॉर्मेशन देखें, बराबर एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं, एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं, तो इनके लिए सब्लिमेशन ऊर्जा कितनी होगी, 2 लेंगे अपन, कि एक एल्युमिनियम के लिए 1 सब्लिमेशन, 2 के लिए 2 सब्लिमेशन, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन कितने हो गए, ये समझ लो, अगर ये समझ गए अपन तो अपने समझ में आ जाएगी बात। आईपी की बात करें, किसकी, आईपी की, एल्युमिनियम कितने हैं, 2, तो 2 Ip1 होंगी, 2 Ip2 होंगी और 2 Ip3 होंगी, तो अपन बात करें 2 Ip1 Ip2 एंड प्लस Ip3, 2 Ip1 2 Ip2 2 Ip3 प्लस बंद वियोजन ऊर्जा ले। ऑक्सीजन कितने चाहिए अपने को, 3 ऑक्सीजन चाहिए, कितने ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन के लिए अगर अपन बात करें तो अपने को कितने चाहिएगी, 3 ऑक्सीजन के लिए, मतलब एक पूरा वो अणु तोड़ेंगे तो उसके लिए पूरी बीडी चाहिएगी, 3 ऑक्सीजन के लिए 3/2 बीडी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3/2, अपन या तो ऐसे बात कर लो, एक ऑक्सीजन के लिए हाफ चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3/2 बीडी। देखो बेटा बंद वियोजन ऊर्जा हो गई। अब इसमें ये देखना, ये फर्स्ट तो कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होती है, कैसी होती है, ऊष्मा छेपी है, परंतु ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सारी की सारी कैसी होती है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होती है, कैसी होती है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होती है। तो अपन बात करेंगे प्लस Ae2 कितनी चाहिएगी, एक ऑक्सीजन के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 3 Ae2 चाहिएगी, माइनस ये फर्स्ट ऊष्मा छेपी होगा, ये फर्स्ट क्या होगा, ऊष्मा छेपी, ये कैसा होगा, ऊष्मा छेपी, तो माइनस 3 Ae1 माइनस जालक ऊर्जा, ये क्या आ जाएगी, जालक ऊर्जा, ये अपन बात कर लेंगे इस हिसाब से। तो ये अपने को समझ में आया होगा कि
ये ई ए टू कितनी लेनी है? ई ए टू अपन ने वन लिख दी, थ्री लेनी पड़ेगी। जो ऑक्सीजन कितनी है? तीन ऑक्सीजन है, थ्री ई ए टू माइनस थ्री ई ए वन माइनस लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। तो ये अपने को हैबर चक्र अपने समझा कि कौन सी ऊर्जाएं अपने काम आती हैं, क्या क्या। तो अच्छे स्टेबल आयनिक यौगिक के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्थाई आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक के लिए क्या क्या होना चाहिए। आयनिक यौगिक के स्थायित्व को सबसे ज्यादा कौन प्रभाव डालता है? जालक ऊर्जा प्रभाव डालती है। कौन? जालक ऊर्जा। किसी भी अणु के लिए जालक ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, आयनिक यौगिक का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा, आयनिक यौगिक का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। अपन बात करें पहला डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या होनी चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। दूसरी आईपी कम होनी चाहिए, ये भी ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, जितने भी ऊष्मा शोषी प्रक्रम है वो सारे कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए। तीसरी बीडी कम होनी चाहिए। चौथी ईए, ईए फर्स्ट ज्यादा तथा अन्य ये कम होनी चाहिए, अन्य ये क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पांच नंबर जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्यादा। जालक ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। डेल्टा सब्लिमेशन कम, आईपी कम, बीडी कम, ईए ईए प्रथम ज्यादा, अन्य ईए कम होनी चाहिए। जालक ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। आयनिक यौगिकों की बात करें, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करें, आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म है उनके लिए बात करें, तो आयनिक यौगिकों के लिए बात करें, आयनिक बंध अदिशात्मक, अदिशात्मक होता है। आयनिक बंध कैसे होते हैं? अदिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? अदिशात्मक। दूसरी बात करें आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। तीसरी बात करें यह भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भंगुर प्रवृत्ति का होने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये है, अगर कोई यहाँ पर अपन दबाव लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टल में ये आगे खिसक जाएंगे, तो जिससे क्या हो, जैसे मान लो ये प्लस माइनस 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 प्लस, इस टाइम तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है और रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है, इक्वल आ रहे हैं। तो इस कंडीशन को अगर अपन यहाँ प्रेशर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा?
ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको अपन ने धक्का दिया, ये आगे घिसक गए। अभी सेम सेम चार्ज पास आ गए, सेम चार्ज पास आ जाएंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब क्या हो गए, भंगुर प्रवृत्ति के हो गए। चार नंबर देखें, यह जल में अघुलनशील, सॉरी जल में घुलनशील तथा कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं। यह जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं, कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। आयनिक बंध कैसे होते हैं, अदिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यह भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। ये जल में घुलनशील तथा कार्बनिक यौगिकों में अकल, कार्बनिक यौगिक मतलब अध्रुवीय यौगिक, अध्रुवीय यौगिक होंगे, उनमें अघुलनशील होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट अगर अपन बात करें जालक ऊर्जा, इसकी बात करें जालक ऊर्जा, पर्याप्त आयनों से जालक ऊर्जा की बात करें, पर्याप्त आयनों से एक मोल ठोस के निर्माण, पर्याप्त आयनों से एक मोल ठोस के निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहा जाता है। क्या, पर्याप्त आयनों से एक मोल ठोस के निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहा जाता है। जालक ऊर्जा का मान अधिक होने पर आयनिक ठोस का स्थायित्व अधिक होता है, आयनिक ठोस का स्थायित्व अधिक होता है। बात करें जालक ऊर्जा, एक मोल पर्याप्त आयनों से, ये जरूर याद रखना है, पर्याप्त आयनों से बात कर रहे हैं, पर्याप्त आयनों आयन होने चाहिए, उन्हीं से जब अपन ठोस बनाएंगे उसी को क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा कहेंगे। अगर अपन परमाणु या तत्व से बात करेंगे तो उन्हें नहीं बोलेंगे, वो निर्माण की ऊष्मा आ जाएगी, निर्माण की ऊष्मा में सारी ऊर्जाएं आ जाती हैं, सारी ऊर्जाएं मिक्स हो जाती हैं। जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी आवेश के समानुपाती तथा त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जालक ऊर्जा आवेश के समानुपाती तथा त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जालक ऊर्जा को
प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश कब देखोगे? आयनों पर आवेश तब देखना है अपने को जब क्या हो, एक आवर्त की बातें हो, जब किसकी बातें हो, एक आवर्त की बातें हो, एक आवर्त में जालक ऊर्जा आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयनों पर आवेश पर निर्भर करती है। क्या बोला? एक आवर्त में जालक ऊर्जा आयनों पर आवेश पर निर्भर करती है। आयनों पर आवेश जितना अधिक होगा उसके जालक ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। ये चीज़ किस पर डिपेंड करेगी? एक आवर्त के लिए बात करेंगे। जैसे मैं बात करूँ आपके साथ MgF2, MgO and Mg3N2, यहाँ Mg तो सेम है परंतु आवेश क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आवेश क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आवेश बढ़ता जाएगा तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा, जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ अपन ने देखा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जालक ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन देखें NAF, MgO, स्कैंडियम नाइट्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड, +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चार्ज आवेश बढ़ रहा है, तो लेटेस्ट एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जालक ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जालक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा बढ़ेगी, आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करें दूसरे धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या की बात करें, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या की बात करें, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या कब लगाओगे? धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या अपन एक वर्ग में लगाएंगे, एक वर्ग में धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या आकार, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या जालक ऊर्जा को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? जालक ऊर्जा को निर्धारित करती है। जैसे बात करें LIF, NAF, KF, RBF एंड CZMN, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, ये ले लें अपन LIH,
NaH, KH, RBH, CGMH. क्या हो रहा है? साइज ऑफ केटाइन, धनायन का आकार, साइज ऑफ केटाइन बढ़ रहा है. साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज, साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज, तो जालक ऊर्जा क्या होगी? घट जाएगी. जालक ऊर्जा क्या होगी? घट जाएगी. तो अपने को पता लग गया कि एक आवर्त में जालक ऊर्जा अपने को किससे देनी है? आवेश से देनी है. जबकि एक वर्ग में अपने को जालक ऊर्जा किससे देनी है? आकार से देनी है, त्रिज्या से देनी है. तो ये दोनों फंडे अपने को लगाने हैं कि आकार और आवेश के फंडे अपने को लगाने हैं. यदि आवेश बढ़ेगा आवर्त में तो जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा, परंतु ये जरूरी नहीं है कि जालक ऊर्जा का मान बढ़े तो आयनिक लक्षण भी बढ़े. आयनिक लक्षण अलग चीज है और जालक ऊर्जा अलग चीज है. नेक्स्ट बात करते हैं अपन. ये अपनी जालक ऊर्जा की बात. नेक्स्ट बात करें अपन फजांस का नियम. फयान का नियम, फजांस का नियम भी बोला जाता है इसे, या दुर्धनायन की दुर्वन क्षमता, या बोल सकते हैं आयनिक बंध में सहसृजी लक्षण. या इसको बोल सकते हैं आयनिक बंध में सह संयोजक लक्षण. आयनिक बंध में सहसृजक लक्षण, आयनिक बंध में सहसृजक लक्षण. फजांस ने क्या बताया? यदि धनायन का आकार बड़ा और ऋणायन का आकार छोटा है. ये कौन है? धनायन. ये कौन है? ऋणायन. और यदि धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा हो, धनायन और ऋणायन, यदि धनायन का आकार बड़ा और ऋणायन का आकार छोटा, और यदि धनायन का आकार छोटा ऋणायन का आकार बड़ा हो, इस कंडीशन में धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा. और यहां पर कौन से लक्षण आएंगे? आयनिक लक्षण मुख्य होंगे, आयनिक लक्षण ज्यादा. जबकि यहां पर सहसंयोजक लक्षण ज्यादा. सहसंयोजक लक्षण ये क्या करेगा? धनायन इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण क्या होंगे? इस बंध में क्या आ जाएंगे? सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे? सहसंयोजक लक्षण. दिशात्मक लक्षण आ जाएंगे, मतलब सहसंयोजक लक्षणों का आना. तो धनायन, ये अपने दिमाग में एक फोटो बना लेना कि धनायन का आकार अगर बड़ा हुआ तो कौन से लक्षण होंगे? आयनिक लक्षण होंगे. अगर धनायन का आकार अगर छोटा हुआ तो सहसंयोजक लक्षण होंगे. अगर धनायन सेम है तो अपन ऋणायन देख लेंगे. ऋणायन अगर छोटा है तो आयनिक लक्षण, ऋणायन अगर बड़ा है तो सहसंयोजक लक्षण आएंगे. क्या आएंगे? सहसंयोजक लक्षण. ये दिमाग में अपने फंडा बना के रखना है. आयनिक लक्षण आ गए तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे. सहसंयोजक लक्षण आ गए, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे. तुलनात्मक रूप में देख रहे हैं, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, ये कैसे होंगे? अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे. अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे. ये जल में घुलनशील ये अध्रुवीय यौगिकों में घुलनशील अध्रुवीय यौगिकों में घुलनशील. आयनिक लक्षण ज़्यादा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्षारीय प्रवृत्ति ज़्यादा, जल में घुलनशील, सहसंयोजक लक्षण ज़्यादा,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम, अम्लीय प्रवृत्ति, है ध्रुवीय यौगिकों में घुलनशील, है ध्रुवीय यौगिकों में घुलनशील होंगे। अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम दिमाग में रखना है, धनायन बड़ा, ऋणायन छोटा, कौन से लक्षण? आयनिक लक्षण ज़्यादा, धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा, कौन से लक्षण? सहसजीवन। धनायन के द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुवन क्षमता कहते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, धनायन के द्वारा के द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को धनायन के द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुवन क्षमता कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? फाई से। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्यू बाई आर के। क्यू क्या है यहाँ पर? आवेश, और आर क्या है यहाँ पर? त्रिज्या। आर क्या है यहाँ पर? त्रिज्या। क्यू क्या है यहाँ पर? आवेश। धनायन के द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुवन क्षमता कैसे हैं? इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। फाई जो होता है समानुपाती होता है किसके? क्यू बाई आर के। क्यू क्या है? आवेश। आर क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। तो ये बात ध्यान रखें कि फाई किसको कहा है। इस फाई को और क्या बोलते हैं? दो नाम होते हैं बेटा, याद रखना। एक तो होता है आयनन विभव और एक होता है आयनिक विभव। इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हो, आयनन विभव और आयनिक विभव। आयनन विभव क्या होता है? आईपी होता है। क्या होता है? आईपी। आयनन विभव क्या होता है? आईपी। और आयनिक विभव क्या होता है? फाई को ही क्या बोलते हैं? धनायन की ध्रुवन क्षमता को ही क्या बोल देते हैं? आयनिक विभव बोल देते हैं। अब फाई को प्रभावित करने वाले कारक देखें अपन। फाई को प्रभावित करने वाले कारक, फाई को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात करें। पहला है धनायन पर आवेश। धनायन पर आवेश के समानुपाती होती क्या? फाई। धनायन पर आवेश के समानुपाती होती है क्या? फाई। धनायन पर आवेश के समानुपाती होती है क्या? फाई। धनायन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा फाई का मान उतना ज़्यादा होगा। जैसे बात करें अपन NaF, MgF2 एंड AlF3। अपन देखा +1, +2, +3 यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। धनायन पर आवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फाई का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। धनायन पर आवेश बढ़ा, फाई का मान बढ़ा। फाई का मान बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सहसंयोजक लक्षण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे तो
आयनिक लक्षण घट जाएंगे, धनायन पर आवेश बढ़ा, फाई का मान बढ़ा, सहसूचक लक्षण बढ़े, आयनिक लक्षण क्या होंगे, घट जाएंगे। तो अपना पहला पॉइंट आ गया धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश समानुपाती होते किसके, फाई के। दूसरी बात करें धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती किसके, फाई के। धनायन की त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती किसके, फाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे अपन देखें एल आई एफ एन ए एफ के एफ आर बी एफ एंड सी जी एम, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं धनायन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धनायन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धनायन का आकार बढ़ेगा, धनायन का आकार बढ़ा, फाई का मान घटेगा, सहसंयोजक लक्षण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, आयनिक लक्षण बढ़ जाएंगे। तो आपको इनमें से पूछे सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, सबसे ज़्यादा आयनिक सीजियम फ्लोराइड और सबसे कम आयनिक इनमें सीजियम लिथियम फ्लोराइड है। सबसे ज़्यादा सहसंयोजक पूछे तो लिथियम फ्लोराइड, तो ये अपन इस हिसाब से बता सकते हैं। तीसरा अपन बताएं रणायन पर आवेश, रणायन पर आवेश समानुपाती होता है किसके, फाई के। रणायन पर आवेश फाई के समानुपाती होता है किसके, फाई के समानुपाती होता है। जैसे अपन देखें Mg4 and Mg3N2, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं -1, -2 and -3। ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पर आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा, सहसंयोजक लक्षण आयनिक लक्षण आपको पूछे। जालक ऊर्जा की अगर इनमें बात करें तो जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। परंतु तो सहसंयोजक लक्षणों की बात करें तो इसकी होगी, आयनिक लक्षणों की बात करें तो इसमें होगी। मैं फिर कह रहा हूँ जालक ऊर्जा और आयनिक लक्षणों में आपस में कोई संबंध अपन नहीं बता रहे, जालक ऊर्जा की बात अलग करेंगे, आयनिक लक्षणों की बात अलग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरा हो चुका है रणायन पर आवेश, फोर्थ बात करें रणायन का आकार समानुपाती होते किसके, फाई के। समानुपाती होते किसके, फाई के। देखें लिथियम क्लोराइड लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड, मैं यहां से यहां जा रहा हूं रणायन का आकार बढ़ रहा है, रणायन का आकार बढ़ रहा है तो फाई का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। फाई का मान बढ़ जाएगा तो सहसंयोजक लक्षण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, सॉरी सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे, आयनिक लक्षण रणायन का आकार बढ़ गया, फाई का मान बढ़ गया, सहसंयोजक लक्षण बढ़ गए, आयनिक लक्षण
घट गए। आयनिक लक्षण क्या हो गए? घट गए। नेक्स्ट बात करें पांचवा पॉइंट, पांचवे पॉइंट की बात करें, छदम अक्रिय गैस विन्यास। वैसे ये बात तो अपन बता चुके हैं, अक्रिय गैस विन्यास, छदम अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है? वे आयन जिनके वायतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, छदम अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करते हैं। लिख दें, वे आयन जिनके वायतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे आयन जिनके वायतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, छदम अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? छदम अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करते हैं। वे आयन जिनके वायतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, छदम अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन बात करें ZN प्लस टू, एग्जाम्पल कर चुके अपन, HG प्लस टू, कैडमियम प्लस टू, कॉपर प्लस वन, AZ प्लस वन, गैलियम प्लस थ्री, जर्मेनियम प्लस फोर, ये सभी क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? छदम अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित कर रहे हैं। छदम अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करने वाले छदम अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित करने वाले आयनों की ध्रुवन क्षमता अधिक होती है, ध्रुवन क्षमता अधिक होती है। ZnCl2 एंड CaCl2, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? छदम अक्रिय गैस विन्यास प्रदर्शित कर रहा है। तो सहसंयोजक लक्षण किसमें ज्यादा होंगे? इसमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है किसकी तुलना में? CaCl2 की तुलना में। किसकी तुलना में? CaCl2 की तुलना में ZnCl2 में सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है। नेक्स्ट बात करें अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में निम्न दिए गए अणुओं को उनके सहसंयोजक लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। अपने लिखा LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो phi का मान बढ़ेगा, सहसंयोजक लक्षण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे।
आयनिक लक्षण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ऐसे ही बात करें अपन NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5, +1, +2, +3, +4, +5। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं चार्ज ऑन केटाइन, धनायन पर आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फाई का मान बढ़ेगा। सह संयोजक लक्षण क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आयनिक लक्षण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। आयनिक लक्षण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये फजान्स रूल पर बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। अपने को पांचों ये अप्लाई करने हैं, किसमें ज़्यादा होंगे सहसंयोजक, किसमें कम होंगे आयनिक, किसमें ज़्यादा होंगे आयनिक, किसमें कम होंगे, कौन सा जल में ज़्यादा घुलनशील होगा। जैसे क्वेश्चन पूछे आपको, निम्न में से जल में घुलनशीलता किसकी अधिकतम होगी। देखें AgF दिया आपको, AgCl दिया, AgBr दिया, चौथा AgI दिया। धनायन तो समान है, ऋणायन का आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऋणायन का आकार बढ़ता जा रहा है, ऋणायन का आकार बढ़ता जाएगा तो सहसंयोजक गुणधर्म बढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आयनिक किसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें आयनिक ज़्यादा है तो जल में घुलनशीलता ज़्यादा किसकी होगी, AgF की होगी, किसकी होगी, AgF। AgF जल में अधिकतम घुलनशील होगा, क्या होगा, जल में अधिकतम घुलनशील होगा। आज की क्लास में इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट बात फाई की एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये पढ़ के आना कि किसमें सहसंयोजक गुणधर्म ज़्यादा होंगे, किसमें कम होंगे, इसी के बेस पर अपन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अम्लीय प्रवृत्ति, ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।